हेलो गाइस, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल KGN ऑटो रिपेयर सेंटर में। सो दोस्तों, आज का इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर बजाज ऑटो के पीछे चक्का का बैरिंग अगर टूट गया है, यानी कि जो हब बैरिंग है वो टूट गया है, तो उसे आप बड़े ही आसान तरीके से, वो भी बिना हाइड्रोलिक प्रेशर के, आप खुद से उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक बस यही है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो मेन चक्का का नट है ना, उसको ढीला करना पड़ेगा, जो कि 24 नंबर के गोटी हैंडल से ढीला होगा। ये वाला नट को ढीला करने के बाद फिर चक्का को खोल लेना है। चक्का नट को पता ही है कितना नंबर से खुलेगा, 19 नंबर से खुलेगा, तो वो उसको 19 नंबर से खोल के चक्का को बाहर निकाल लेना है। तो चक्का के नट को तो ढीला कर दिए, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना नीचे में जैक लगानी पड़ेगी, और जैक लगा के फिर इसको उठाएंगे। हमारे पास क्या है ना कि बड़ा वाला जैक है, तो बड़ा वाला जैक को लगा लेते हैं। अगर आपके पास बड़ा वाला नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप इसे सिंपल बांस पे भी उठा सकते हैं। इसको उठाने के बाद फिर चक्के को खोल के बाहर निकालेंगे। चक्का को खोल के बाहर निकालने के बाद फिर सबसे पहले इसका लॉक को निकालेंगे, यानी कि ड्रम को लॉक को निकालेंगे। लॉक को निकालने के बाद फिर ड्रम को बाहर निकालेंगे। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो कि बैरिंग टूट के कितना जाम हो गया, ये बिल्कुल घूम ही नहीं रहा। तो चलिए दोस्तों, फिर 24 नंबर के गोटी हैंडल से जो मेन नट है ना, उसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों, ये नट तो खुल चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे जो एलेंकी बोल्ट दिख रहा है ना, उसको खोलने का है। लेकिन उसको खोलने से पहले ना, उस पर थोड़ा पंच से मारना पड़ेगा, यानी कि उस पर थोड़ा चोट मारना पड़ेगा, ताकि उसके ऊपर का ना जंग जो है ना, वो हट जाए और वो आसानी से खुल सके। उसके बाद 8 नंबर के एलेंकी से ये सारा बोल्ट को खोल लेना है। दोस्तों, यहाँ पे ना बड़े आसानी तरीके से एलेंकी बोल्ट खुल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर ना चोट पहले ही मार चुके हैं, इसलिए खुल रहा है। अगर आप इसके ऊपर चोट नहीं मारिएगा ना, तो ये इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, ये थोड़ा हार्ड खुलेगा। इससे अच्छा है कि आप उस पर थोड़ा सा चोट मार दें, ताकि ऊपर का जंग जो है ना, वो हट जाए और ये आसानी तरीके से खुल सके। तो दोस्तों, एलेंकी बोल्ट तो पूरा खुल चुका है। अब इसके बाद हमें चक्का एक्सल जो है ना, उसको बाहर निकालने का है। इसके लिए हमें ऊपर का जो एडजस्टर है ना, उसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, फिर हथौड़ी से ऊपर से थोड़ा मारना पड़ेगा, उसके बाद ये बाहर निकल आएगा। और दोस्तों, सिर्फ चक्का एक्सल ही बाहर नहीं निकलेगा, उसके साथ हब भी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे चक्का एक्सल एंड हब दोनों एक साथ निकल चुके हैं। अब इसमें से ना बैरिंग को निकालने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो वॉलसेल आपको दिख रहा है ना, उसको पहले निकालने का है। तो चलिए फिर पहले वॉलसेल को निकाल लेते हैं। ऑयल सील को निकालने के बाद दोस्तों, थोड़ा इसको ना साफ कर लेंगे, ताकि हमें क्लियर दिख सके कहाँ पे बैरिंग लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों, हब को ना कुछ इस तरीके से टांग के रखेंगे, उसके बाद इसमें से बैरिंग को निकालेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दो एक्सल पे कैसे हब को लटका के रखा गया है। उसके बाद दोस्तों, ये जो गोटी आप देख पा रहे हैं ना, ये 27 नंबर का गोटी है, और ये पुराना हो चुकी है, तो इसलिए इसको हम बैरिंग को निकालने में यूज़ कर रहे हैं। उसको ऊपर रख के उसके बाद आपको हथौड़ी से ऊपर से मारना है। लेकिन दोस्तों, अभी जो मार रहे हैं ना, तो हमारा चक्का एक्सल बाहर निकलेगा इसमें से, बैरिंग अभी नहीं निकलेगा। बैरिंग को हम बाद में निकालेंगे, पहले हम चक्का एक्सल को इसमें से निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बैरिंग को निकालेंगे।
यहाँ पे थोड़ा डीजल लगा देते ताकि थोड़ा आसानी हो जाए निकालने में। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो दिख रहा है सबसे लास्ट पोजीशन, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी पे चोट मार के इसी को निकालने का है, उसके बाद हम वायरिंग को निकालेंगे। तो ओके दोस्तों, वीडियो को ना कंटिन्यू आप देखते रहिए, स्किप मत कीजिए, बीच में कट भी मत कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो में बने रहिए और मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे कैसे वायरिंग को निकालने का है। लेकिन अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पास में रखी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर कर दिए हैं तो थैंक्स। और ये इतनी आसानी से तो नहीं निकलती है, लेकिन हाँ, कोशिश करते रहने से ये निकल आएगा। अभी निकलेगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो चक्का एक्सल है वो अब हब से बाहर निकल चुका है। अब इसके बाद हमें ना बैरिंग को निकालने का है। तो चलिए फिर बैरिंग को कैसे निकाला जाता है ये आप देख लीजिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपको ऊपर से कोर दिख रहा है ना, ये बैरिंग का ही कोर है। ये इसमें का कोर नहीं है, ये बैरिंग का ही कोर है जो कि इसमें रह गया है। इसको अभी हम मार मार के इसमें से भी इसको निकालेंगे, लेकिन पहले हम बैरिंग को निकाल लेते हैं। और बैरिंग को निकालने के लिए सबसे पहले हमें तो ऊपर का लॉक को निकालना पड़ेगा। इसे मार के दोस्तों ना लॉक को हम सीधा कर रहे हैं ताकि हम आसानी से इसको निकाल सकें। अभी क्या है ना कि लॉक बैंड हो चुका है, इसलिए इसको पहले सीधा कर लेते हैं, फिर आसानी से ये निकल आएगा। नहीं तो ऐसे अगर बैंड में निकालेंगे तो ऐसे नहीं निकलेगा। निकाली है तो थोड़ा इसमें डीजल दे देंगे ताकि जल्दी से निकल जाए। बहुत जाम है, देख सकते हैं पूरा जंग लगा हुआ है बैरिंग के अंदर में। बैरिंग आ रहा है धीरे धीरे नीचे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो कि हमारा बैरिंग जो है ना वो अब हब से बाहर निकल चुका है। और देखिए किस हालत में बैरिंग था अंदर में, यानी कि पूरा टूटा हुआ बैरिंग अंदर में था। तो अब ये निकल चुका है, तो अब हमें ना चक्का एक्सल में जो इसका जो कोर फंसा हुआ है ना उसको अब निकालेंगे। तो चलिए फिर उसको भी देख लीजिए किस तरीके से निकाला जाता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथ इसकी बढ़ती जा रही है। क्योंकि दोस्तों मैं ना आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए लेंथ ज़्यादा होती जा रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो कोर जो इसमें फंसा हुआ था ना वो भी अब बाहर निकल चुका है। और दोस्तों ये वाला जो है ना, ये हब है, इसको ना अंदर से एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं कटा उटा तो नहीं है ना। यहाँ पे मेरे यहाँ तो सही है। उसके बाद ये जो है ना, ये चक्का एक्सल है, तो इसको भी चेक कर लेना है। यहाँ तो सही है, लेकिन अगर आप में अगर कटा होगा तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सही है, तो हम इसी के साथ चलते हैं। पुराना बैरिंग को सही तरीके से निकाल लेने के बाद, यानी कि सब कुछ हो जाने के बाद, अब दोस्तों फाइनली इसमें अब नया बैरिंग को हम डालेंगे। तो ये रहा हमारा बैरिंग। तो आप इसको चेक कर लीजिए कि कौन सा डेट का मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब कौन सा ईयर का इसका मैन्युफैक्चरिंग है, और कितना प्राइस है, और क्या पार्ट नंबर है, ये आप गौर से देख लीजिए। उसके बाद हम इसको पैकेट को खोल के और बैरिंग को निकाल के फिर इसको हब में डालेंगे। तो चलिए फिर पैकेट को खोल के बैरिंग को बाहर निकालते हैं।
और ये जो प्लास्टिक है ना इसको ना मोड़ मार के बैरिंग के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा बैरिंग का जो कोर है ना वो इधर उधर छटकेगा नहीं, वो एक जगह ही रहेगा। इसके बाद जला हुआ मोबिल को बैरिंग के ऊपर लगा देंगे। इससे क्या होगा ना कि बैरिंग आसानी से जाके बैठ जाएगा। ये सबको हो जाने के बाद फाइनली अब बैरिंग को ना हब में ठोकेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है ना ये बैरिंग का ही टूटा हुआ है, जो पुराना वाला बैरिंग था ना उसी का टूटा हुआ है। तो पहले इसको रख के उसके बाद फिर इसको रखेंगे और फिर ऊपर से हथौड़ी से एक बराबर चोट मारना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे ना एक बराबर चोट मारना है। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर करके मारेंगे ना तो ये क्या होना कि तिरपट हो जाएगा, मतलब तिरछा टाइप में ठोका जाएगा, तो ये सही काम नहीं करेगा, ये जल्दी टूट जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको सावधानी बरतनी है और एक बराबर चोट हर जगह लगनी चाहिए, इसीलिए हम लोग ये सबको यूज़ कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या सबको यूज़ किया जा रहा है, आपको भी ठीक इसी तरीके से और इसी को यूज़ करना है और इसी तरीके से इसको ठोकना भी है। और दोस्तों यहाँ पे ना वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, जो वीडियो का नॉर्मल स्पीड होती ना वहीं पे चलेगा यहाँ पे ये, क्योंकि आपको ना ये देखना बेहद ज़रूरी है कि बैरिंग को किस तरीके से ठोका जा रहा है, क्योंकि बैरिंग जो है ना बहुत महंगा बैरिंग है। जैसा कि आपने प्रिंट पर देखे कि 1057 रुपीज़ का ये बैरिंग है, अगर ये हल्का इधर उधर भी ठोका गया ना तो आपका बैरिंग जो है ना वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो इसी अच्छा है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि किस तरीके से ठोका जा रहा है, और बैरिंग को ना बीच बीच में ठोकते वक्त चेक करते रहिएगा, क्योंकि अगर बैरिंग इधर उधर होगा तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए आप चेक करें फिर ठोके, फिर चेक करें फिर ठोके, ऐसा करके पूरा बैरिंग को ठोकने का है। ये रख के डालने से ये ऑपरेशन है प्रति निकलेगा नहीं। तो दोस्तों हमारा जो बैरिंग था ना अब कम्प्लीटली अच्छी तरीके से हब में ठोका चुका है। तो अब हमें क्या करना है, पहले कपड़े से साफ कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें लॉक को लगा देंगे। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें ना चक्का एक्सल को फिट करेंगे। फिट करने से पहले इसमें भी जला हुआ मोबिल को थोड़ा लगा देंगे ताकि ये आसानी से जा सके। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हब में चक्का एक्सल को ठोका जा रहा है, यानी कि वो तो बैरिंग के नीचे ही अंदर से ही जाएगा ऊपर, लेकिन ये आप ध्यान से देखिए कि कैसे जा रहा है। और दोस्तों ये जो आपको कोर दिख रहा है ना ये वही है जो बैरिंग का टूट के और एक्सल में फंस गया था ना, जो जिसको बाद में निकाले थे, वही वाला ये कटोरी है। और आप ध्यान से देख लीजिए कि किस तरीके से ये ठोका जा रहा है। और दोस्तों वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, और अगर ये मेरी वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रही हो ना तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। थोड़ा और ठोकने का है दोस्तों यहाँ पर, तो ये भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी अब अच्छी तरीके से ठोका चुका है। अब लास्ट में क्या करेंगे ना, इसमें जला हुआ मोबिल को लगा देंगे। और दोस्तों ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो एक्सल है वो सही तरीके से हब में ठोका चुका है, तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये पूरा फ्लैट हो गया है, मतलब ये पूरा बराबर हो गया है। तो इससे पता चलती है कि ये पूरी तरीके से ठोका चुका है, मतलब कि अच्छी तरीके से ये ठोका चुका है। तो अब लास्ट में इसमें अलसिल को लगा देंगे। अलसिल भी दोस्तों नया ही लगाइएगा, क्योंकि पुराना वाला को निकालने के बाद वो फिर से लगने लायक रहता नहीं है, इसलिए नया अलसिल को लगा देंगे। आयलसिल का ना दोस्तों छेनी और हथौड़ी से ऊपर से ना मार मार के उसके बाद बैठाने का है, और छेनी में धार नहीं होनी चाहिए नहीं तो आयलसिल कट जाएगा। वो देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग इसको किस तरीके से बैठाने का है, वो देख लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे छेनी हथौड़ी है, जो छेनी का धार जो है ना वो मतलब पूरा फ्लैट हो चुका है, इसलिए इससे हम अच्छे तरीके से ठोक लेते हैं। तो आयलसिल भी अब अच्छी तरीके से ठोका चुका है। तो लास्ट में चलिए अब हब को फिटिंग कर देते हैं। लेकिन हब को फिट करने से पहले दोस्तों इसको ना थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, इसमें ना बहुत सारे कचरा मतलब कि मिट्टी लगा हुआ है, तो इसको मिट्टी को पहले साफ़ कर लेते हैं उसके बाद इसको फिट करेंगे। तो ये अब अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है, यानी कि अब हब को अच्छी तरीके से फिट करने के लिए ये तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हब को फिट कर देते हैं। उसके बाद एलेंकी बोल्ट में थोड़ा मोबिल लगा के उसको टाइट कर देंगे।
तो एलेंकी बोल्ट तो पूरा फुल टाइट हो चुका है। अब उसके बाद ब्रेक शू को थोड़ा एडजस्ट करके, मतलब कि इधर उधर से थोड़ा सही करके उसके बाद ड्रम को लगाएंगे। लेकिन उससे पहले कपड़े से थोड़ा साफ कर लेंगे इसको। ड्रम को लगाने के साथ ही पहले उसमें लॉक को लगाएंगे, उसके बाद ये जो 24 नंबर का नट है ना उसको टाइट कर देंगे। लेकिन उससे पहले उसमें वाशर डाल के उसके बाद इस नट को टाइट करेंगे। ये सब कर लेने के बाद अब लास्ट में चक्के को टाइट करेंगे। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी क्या है ना कि गाड़ी उठा हुआ है इसलिए पूरा फुल टाइट नट नहीं हो सकता। अभी टेम्पररी टाइट करेंगे, उसके बाद फिर गाड़ी को नीचे गिराकर उसके बाद पूरा फुल टाइट करेंगे नट सब को। लेकिन मैं तो यहाँ पे जग को लगा के रखा हूँ तो उसको थोड़ा डाउन करके नीचे करके उसके बाद नट को अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। तो दोस्तों अपना जो काम था पीछे वाला चक्का को बैरिंग को चेंज करना, तो वो अब अच्छे तरीके से हो चुका है। सो आई होप दोस्तों कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ। और हाँ, ये वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।